गया सर, गाय भैंस का कुछ भी नहीं है, सारा सामान चला गया, दो ठो बच्चा है, बच्चा लोग को कहाँ रोड पर लेकर रहेंगे सर, लड़की जात है उन लोग पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में हर साल बाढ़ और नदी कटाव की वजह से लाखों लोग जो हैं वो प्रभावित होते हैं, खासकर सीमांचल का इलाका। सीमांचल में कई जगहों पर ऐसे इलाके हैं जहां पर नदी कटाव की वजह से लोग जो हैं वो विस्थापित होने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन आज की खबर सीमांचल से नहीं, भागलपुर से है, और भागलपुर जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर सबौर प्रखंड के फरक्का पंचायत के इंग्लिश गांव की है, जहां पर विजुअल्स देख रहे हैं आप कि किस तरीके से गंगा नदी जो है वो नदी के किनारे जो भी किनारे हैं उसको एक तरह से कह रहे हैं सकते हैं कि लीलती जा रही है, लगातार नदी कटाव हो रहा है। बीते दो दिनों से यही आलम, यही मंजर इस गांव में देखने को मिल रहा है, और लोग जो हैं एक तरह से काफ़ी परेशान हैं और रात रात भर जाग रहे हैं। सबसे पहले एक माँ बेटी का दर्द सुनिए, किस तरीके से माँ कह रही है कि हम अपनी जवान बेटी को लेकर जाएं तो जाएं कहाँ। ये परिवार बेहद परेशान है, और परेशान हो भी क्यों ना, क्योंकि लगातार गंगा नदी का कटाव जो है वो गाँव में जारी है, फसलें तो बर्बाद हो ही रही है, और साथ साथ जो नदी कटाव की वजह से जो नदी किनारे जो घर हैं वो भी गंगा में एक तरह से कह सकते हैं कि गंगा में समा जा रही है, और ग्रामीण जो है वो रात रात भर जाग रहे हैं कहीं उनका घर आज गंगा नदी में लील तो नहीं जाएगा। ग्रामीण अपना लगातार दर्द बयां कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि स्थानीय स्तर पर प्रशासन नदी कटाव को रोकने के लिए क्या कर रहा है। आपको बता दें कि भागलपुर जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर स्थित सबौर प्रखंड के परखा पंचायत के इंग्लिश गांव में लगातार दो तीन दिनों से गंगा का रौद्र रूप देखकर ग्रामीण जो हैं वो सहमे हुए हैं। गंगा के कटाव में 300 मीटर ग्रामीण पथ एवं बिहार सरकार के द्वारा जल नल योजना के तहत जो बना जल मीनार था वो भी गंगा में समा गया। कल से ही लगातार गंगा का कटाव जो है वो लगातार जारी है, वहीं कटाव में कई लोगों के घर भी समा चुके हैं। कुछ लोगों ने तो थोड़ा बहुत सामान घरों से निकाल दिया, लेकिन कई लोगों का घर गंगा की गोद में समा चुका है। ग्रामीणों का कहना है अगर जल प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं होती है तो ये लोग उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से राहत के लिए गुहार लगाई है। बता दें कि गंगा नदी में जल स्तर बढ़ने के बाद कटाव तेजी से होता है, लेकिन अभी बाढ़ का वक्त नहीं है, इसके बावजूद गंगा नदी का तेजी से कटाव है। दूध बेच के घर चलाते हैं, गाय भैंस भी चली गई, वो भी चली गई पानी में, कैसे हम लोग अब तो रहने के लिए घर भी नहीं है, रात भर जग के रहे, रात भर जग कर रहे हैं, डेढ़ बजे भी हम लोग घर में कोई सामान नहीं है, सारा सामान रोड पे रखा हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं पूरा घर में साल पहले मरी गई है। तीनों बहन है आप लोग? आठ बहन है सर, आठ बहन है, एक हमारा कोई उपाय कीजिए सर, दो ठो बच्चे है, जैसे जवान जवान लड़की है, लोग कहाँ लेकर के रहेंगे सर, सब गंगा में समा गया, सब गंगा जी में समा गया। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।